जैसे कि आज हम बात करेंगे ओरिजेंटल बैंक यूबीआई बैंक। जैसे कि आपको ओरिजेंटल बैंक और यूबीआई बैंक आपको पूरी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है, क्या क्या आपको चेंजेस देखने मिला है और आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग कौन सा यूज करना चाहिए। और आपको देखिए आज हम बताएंगे एक टॉपिक के बारे में, जैसे कि सरकार द्वारा कुछ आपको योजना मिलती है जैसे कि यूनाइटेड बैंक में या ओरिजेंटल बैंक में आपका क्या क्या चेंज होने के बाद आपका पैसा मिलेगा कि नहीं, इस बारे में पूरा प्रोसेस बात करेंगे। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब को बटन सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका अकाउंट नंबर चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि आपका ओरिजेंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक में जो भी आपका अकाउंट नंबर था वही अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद आईएफएससी कोड एमआईसीआर कोड, जैसे कि आईएफएससी कोड आपका पैसा ट्रांसफर करने में आपको ऑनलाइन काम आता है और एमआईसीआर कोड होता है आपका जो चेकबुक में काम आता है। एमआरसीआर कोड आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, आपको एसएमएस द्वारा मिल भी चुका होगा, रजिस्ट्रेशन मोबाइल पर आपको एसएमएस आता है। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी चेंज हो गया है, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको मैं क्या चेंज हुआ है बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनाइटेड बैंक के जो आपको कस्टमर आईडी में आपको सबसे पहले यू लगाना पड़ेगा और आपको ओरिजेंटल बैंक के कस्टमर आईडी में आपको ओ लगाना पड़ेगा, मतलब आपको कस्टमर आईडी वही रहेगा जो आपका पासबुक में है, जो आपका है, ठीक है। बस यूनाइटेड में यू लगाना पड़ेगा पहले और आपको यहाँ पे देखिए ओरिजेंटल बैंक में आपको ओ लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें आपका कस्टमर आईडी इस तरह से होगा। और जैसे कि बात आता है यूपीआई, जैसे कि आपको फोन पे, गूगल पे या कोई भी एप्लीकेशन में आप यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन आपको यूपीआई में अभी आपको बैंक सिलेक्ट करने रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। आपको पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट करेंगे तभी जाके आपका यूपीआई आईडी जनरेट हो पाएगा और आपको आगे की जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह गूगल पे, फोन पे इत्यादि में एप्लीकेशन आप यूज़ कर पाएंगे आपको यूपीआई मेथड। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन पीएनबी वन को एप्लीकेशन को यूज करना रहेगा जो आपको मोबाइल बैंकिंग प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप यूज करेंगे पीएनबी का जो वेबसाइट में इंटरनेट बैंकिंग को यूज करेंगे तो आपको ये दोनों में आपका ओरिजेंटल बैंक यूनाइटेड बैंक का सर्विस पूरा आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है आपका बैंक वगैरह। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए यूनाइटेड बैंक ओरिजेंटल बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ चेंज हो गया आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको कोई गवर्नमेंट द्वारा आपको कुछ पैसा मिलते हो, सब्सिडी मिलते हो या कुछ आपको योजना मिलते हो, वृद्ध पेंशन कुछ योजना मिलते हो, तो आपको सरकार द्वारा दिए गए अमाउंट हर महीने आपको मिलेगा जो भी आपका अकाउंट नंबर है और आपका आईएफएससी कोड चेंज हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपका डाटा रहता है तो आपको हर महीने आपका जो भी पैसा होता है आपको दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो को पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और आपको वीडियो को कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका पैसा, आपके सब्सिडी आपके अकाउंट पे मिलेगी, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं और टेंशन करने की जरूरत नहीं। पास में जो नियरेस्ट जो आपका पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे और आपका जो भी पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक आप प्रिंट करके ले आएंगे, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगा और आपका खुश रहे जीवन।